दोस्तों इधर तो देखो, आज तो पकौड़ी बन रही है, गोभी कट रही है, आलू कट रहा है। तो दोस्तों आ तो पकौड़ी के चक्कर में पूरा अंगूठा जल गया। लंबू दादा, राजमोहन जी के पास में आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए। हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुबह की सभी को प्यार भरी राम राम। तो भाई सभी अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और सुबह का टाइम है, अब तो 6:30 बजे हैं और देख सकते हो बहुत ठंडी का मौसम हो रहा है। ऐसा हो रहा है जैसे बारिश आने वाली है। इधर हमारी जीजी छाछ वगैरह कर रही है और अभी भैंस वगैरह को नहर डाल के आई थी मैं, तो अभी चल रही है। और हमारी नितारा देखो यहाँ पे सो रही है, और इनके लिए दूध वगैरह बनाऊंगी और चार बार निकालूंगी। और सभी सोने लगे हैं भाई, तो अब चलते हैं भाई पक्षियों के लिए दाना डालने के ऊपर। तो वही अभी जा रहे हैं हम ऊपर छत पे, तो वही आ गए हैं ऊपर। ये देखो ऐसा मौसम हो रहा है। और अभी तो सूर्यदेव भगवान भी प्रकट नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ पे दाना डाल देते हैं। और इधर हमारी जीजी रसोई को झाड़ू पाती दे रही है, इधर वैसे चल रही है। तो भाई 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, और अब तो कूलर अन की पंखा अन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही है। सर्दी का दिन आगा बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो फिर नीचे चलते हैं, चाय बनाऊंगी। तो भाई चाय बना दी है मैंने, ही चाय पी लीजिए। और भाई अभी तो लाइट छोड़ की है, मस्का पड़ रहा है बहुत, अब मस्का पड़ने लग गए। तो बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है, मस्का पड़ रहा है बहुत तेज अब। तो भाई मेरा यशु भी जग गया, गुड मॉर्निंग यशु, आए करो तो आए करो। हाय बिल्ला दोस्तों, किसी मुझसे मरो है ऐसे इसमें काम किया मैंने, दो छत्ता दो छत्ता मौका। देख सकते हो बारिश का मौसम हो रहा है, बिल्कुल बदल छा गए हैं। मैं अपने कपड़े उठाने के लिए आई थी और अब जा रही हूँ भैया अंदर। अभी तो मैं सब्जी बनाऊंगी, गवार भी खड़ी थी और इनको काट लेती हूँ और बारिश की आ रही है बाहर, तो पहले तो मस्का पड़ा, फिर अब ठंडी हवा चल रही, बारिश आ गई, मौसम कब बदल गया कोई पता ही नहीं चल रहा है अभी तो। दोस्तों 9 बज गए हैं और अभी तक बारिश भी नहीं रुकी है, बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, मतलब हवा चल रही है खूब तेज और बारिश भी हो रही है। तो अभी ना तो कुछ काम हो पा रहा है, सभी घर में बैठे हुए हैं अंदर। आप देख सकते हो देखो चारों तरफ, मतलब सुबह से ही बारिश होने लग गई 6 बजे से ही। और पापा जी से मिलवाता हूँ और देखो वो क्या करने में लगे हैं, खेलू क्या करने में लगी हुई है। और इधर देखो नितारा क्या करने, क्या कर रही है नितारा, और इधर पापा लेट रहे हैं और इधर हमारी जीजी भी सो रही है, सभी आराम कर रहे हैं। अभी बारिश कुछ भी काम नहीं होने दे रही है। और इधर नितारा भी खेलने में लगी हुई है, अपने पैरों को बांध रही है धागे से। नितारा क्यों बांध रही है, तो देखो ये यहाँ पे रो रहा है, ये क्यों रो रहा है, मोबाइल चाहिए, ये मोबाइल के लिए रो रहा है। देखो कैसे कर रहा है, ये कैसे रोता है। चलो खेलों के पास चलते हैं, ये क्या की तैयारी करने में लगी। ओ हो। तो दोस्तों इधर तो देखो आज तो पकौड़ी बन रही है, गोभी कट रही है, आलू कट रहा है, मतलब पूरा मसाला काट के रख दिया है, प्याज वगैरह। और आज मौसम भी वैसे पकौड़ी खाने का आ रहा है। कब से तैयारी कर रही है पकौड़ी की, अभी करने लगी पकौड़ी खाने। तो दोस्तों आ जाइए, आप भी पकौड़ी बन रही है आज। क्या मुझे लगो, नंदा कर रहा है, अब तो बढ़ गई ना, कितने बढ़ी। ये सोते रहा, सोते एक भी ना आ रहे, देखा ऊंचा मुंडा करता।
तो दोस्तों इसमें तो तेल गरम हो ही गया है और इसमें मिर्ची वगैरह सब डाल दिया है। तो दोस्तों पकौड़ी उतारना चालू हो गया है। पकौड़ी खाने का पूरा मौसम हो रहा है दोस्तों। सब्जी बन गई क्या? और सब्जी तो इधर बनी गई है दोस्तों। दोस्तों पहल पहल का गान उतर गया है, तो देखते हैं कैसी बनी है पकौड़ी। देखने में तो बढ़िया दिख रही है, नहीं तो खाने में पता चलेगा। पापा जी तो दोस्तों आ तो पकौड़िया के चक्कर में पूरा अंगूठा जल गया और पता नहीं क्या हो गया दिमाग खराब और जलन हो रही है पूरा। तभी मैं पापा के लिए ले जाता हूँ पकौड़ी। हाँ लिया बेटा, चलो ले जी जी। अरे ये जल गया। कैमरा तो भैया आज कैमरे से बना रहे हैं, देखते हैं एक वीडियो बना के कैसी बनती है। और अब मौसम बिल्कुल साफ हो गया है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी और अब साफ हो गया है। और ये अंकल जी भी आ गए हैं नमस्ते रोल करने के लिए। सभी दोस्तों को नमस्ते। हाँ राम राम, नमस्ते बोल रहे हैं सभी को। मैं लंबू दादा ब्रजमोहन जी के पास में आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए। आप सभी दोस्तों फनी वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉलो करें। और इधर ये कैमरा सेट कर रहे हैं नितरा के पापा। तो दोस्तों हमने कुछ वीडियो की शूटिंग करी है जिसमें देखो ये लंबू दादा अभी दूल्हे बने हैं, दूल्हे राजा। हेलो दोस्तों, आप सभी आ जाना बारात में रसगुल्ले खाने के लिए। मैंने दूसरी शादी कर ली अभी। हाँ अभी शादी हुई है लंबू दादा की और मतलब आपको ये वीडियो तब भी आएगा तब आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों हमने ये वीडियो की शूटिंग करी थी तो देखो दोस्तों इधर अभी तो खेलू रोटी करने में भी लग गई है। अभी वीडियो शूटिंग करने के बाद अभी तो चूल्हा जला रही है। क्या करे दोस्तों, सब कुछ करना पड़ता है भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। और बहुत से लोग कहते हैं कि इनको क्या टाइम में ठाले रहते हैं, ठाले नहीं रहते और तब दुगना काम करते हैं, घर का भी करते हैं, वीडियो बनाना भी सिखाते हैं और भी कुछ सिखाते हैं। जबकि हमको इतनी ज्यादा कहने देना, जो कहने वाले हैं अपन को चाहने वाले भी तो बहुत है। मेहनत इतनी ज्यादा करनी पड़ी, ये नहीं कि जबरदस्ती वैसे ये वीडियो डाल देते आ जाते, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है भाई, जैसे एक नौकरी करने वाला नौकरी के लिए मेहनत करता है, खेती करने वाला खेती मेहनत करता है भाई, इसमें भी मेहनत करते हैं ना तब जाके दो पैसे आते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई अगर मेहनत करेगा ना भाई सब सफल हो, मेहनत करने के ऊपर है सब कुछ। ठीक है, और हम सब्जी रोटी बना रही हैं क्योंकि तरह पापा जाएंगे अब ड्यूटी, तो इसलिए मिर्ची पीस रही हैं, लहसुन और चिकन की, लहसुन प्याज की चटनी। और दोस्तों इधर जी जी रांध रही है राबड़ी, गाट की राबड़ी रांध रही है जी जी। चना मिला रखे हैं उसमें चावल, क्योंकि इन दिनों में अच्छी लगती है गाट की राबड़ी जो की। और इधर बैठे हैं हमारे रॉकी। तो दोस्तों चलो मैं बच्चों के पास ले चलता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? यस्सु पहले तो अंदर सो रहा था और अब यहाँ के सो गया। और इधर सो रही है नितारा। यस्सु तू तो अंदर सो रहा था ना पहले तेरी मम्मी के पास, हैं? अब यहाँ गया मैं बेटा, इतनी तेज नींद आ रही है। दीदी सो जा बता, वहाँ यहाँ आ जा खाट पे, यहाँ पा जा, क्योंकि यहाँ गांव में लाइट भी बहुत कम आती है। अब जाके आई थी यहाँ पे 4:30 बजे सुबह से लाइट चली गई थी तो।